तो लॉर्ड्स टेस्ट को टीम इंडिया ने बेहद ही शानदार तरीके से जीत लिया, और उसके बाद जिस तरीके का जश्न हमने देखा वो अपने आप में हम कह सकते हैं एक बहुत ही शानदार जश्न था। पूरी टीम इंडिया ने, जितने भी फैंस मौजूद थे, लॉर्ड्स जिसे मक्का ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, वहाँ सब ने इस जीत को बहुत इंजॉय किया। लेकिन अब बात करते हैं तीसरे मुकाबले की, जो मुकाबला लीड्स में खेला जाना है। देखिए, इस दूसरे टेस्ट मैच और तीसरे टेस्ट मैच के बीच में अगर मैं बात करूं, 8-9 दिनों का एक कह सकते हैं छोटा सा ब्रेक इंडियन टीम को मिल गया है, और यहाँ पर इंडियन टीम के सामने बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर मुझे लगता है इंडियन टीम को ज़रूर ध्यान देना होगा। सबसे पहले तो आपके जो दो एक सवाल ये लगातार उठ रहे हैं कि क्या चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे की अगले टेस्ट मैच में जगह बनती है कि नहीं। देखिए, अगर ये सवाल मुझसे आप दूसरी पारी से ठीक पहले पूछते तो मैं बिल्कुल बोलता कि इन दोनों ही खिलाड़ियों की, चेतेश्वर पुजारा हो, अजिंक्य रहाणे हो, इनकी जगह फिलहाल इंडियन टीम में नहीं बनती। लेकिन जिस तरीके से दूसरी पारी में जब ये दोनों बल्लेबाजी करने आए, दूसरी पारी में जो टॉप के 3 बल्लेबाज थे बहुत जल्दी पवेलियन लौट गए, और उसके बाद सारा जो दारोमदार था चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे के ऊपर था, और एक कह सकते हैं कि इनके ऊपर तलवार भी लटक रही थी। अगर उस पारी में ये अच्छा परफॉर्म नहीं करते, अगर क्रीज पर नहीं टिकते, तो इंडियन टीम परेशानी में आ सकती थी और इनके लिए भी परेशानियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती थी। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। चेतेश्वर पुजारा की अगर मैं बात करूं, चेतेश्वर पुजारा ने 206 गेंदों का सामना किया और वहां चेतेश्वर पुजारा ने बनाए 45 रन, और अजिंक्य रहाणे ने 146 गेंदों पर बनाए हैं 61 रन। यानी कि इन दोनों ही बल्लेबाजों ने जो आखिरी पारी खेली लॉर्ड्स टेस्ट में, वहां पर इन्होंने एटलीस्ट इतना काम कर दिया कि अगले टेस्ट मैच के लिए मुझे लगता है कि इनको जगह ज़रूर मिलनी चाहिए। लेकिन क्या कप्तान विराट कोहली, टीम मैनेजमेंट इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं, ये तो हमें आगे चल के पता लगेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि इन दोनों के ऊपर ही जो सवाल हैं वो लगातार खड़े हो रहे, क्योंकि जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा इस पूरे। अगर मैं बात करूँ, जो पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप था वहाँ चेतेश्वर पुजारा ने बिल्कुल रन नहीं बनाए थे, वर्ल्ड WTC के फाइनल में पुजारा ने रन नहीं बनाए, पहले टेस्ट मैच में रन नहीं बनाए, लेकिन जिस तरीके से टेस्ट मैच पुजारा ने सेव करवाया उसके बाद आप ज़रूर कह सकते हैं कि शायद इन दोनों खिलाड़ियों को एक मौका और मिल सकता है। अगर इन दोनों को हम मौका नहीं देते हैं तो फिर कौन हो सकते हैं जो इंडियन टीम के मिडिल ऑर्डर में आ सकते हैं? इस समय मयंक अग्रवाल इंडियन टीम का हिस्सा है, इस समय अगर मैं बात करूँ पृथ्वी शॉ इंग्लैंड पहुँच चुके हैं, सूर्य कुमार यादव भी इस समय इंग्लैंड में मौजूद है, तो आप ज़रूर कोशिश कर सकते हैं कि कुछ युवा खिलाड़ियों को आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बदलाव तो मुझे नज़र नहीं आ रहे। शायद यही दो खिलाड़ी हैं, चेतेश्वर पुजारा, जिंक्य रहाणे, इसके ऊपर सवाल ज़रूर उठ सकते हैं, और अगर सवाल उठेंगे तो फिर आपके पास विकल्प के रूप में मयंक अग्रवाल, पृथ्वी शॉ और सूर्य कुमार यादव मौजूद हैं। तो ये तो बल्लेबाजी की बात होगी। अब बात करते हैं गेंदबाजी की। जो चार तेज़ गेंदबाज है बहुत अच्छे लग रहे हैं, और लगातार जो उनका परफॉर्मेंस है वो अच्छा रहा है। अगर मैं यहाँ लीड्स की बात करूँ तो लीड्स में भी तेज़ गेंदबाजों को आप एक्सपेक्ट करते हैं, मदद मिलेगी, गेंद थोड़ा सा स्विंग होगा, बाउंस होगा, सीम होगा, तो आप अपने जो चार तेज़ गेंदबाज हैं उनके साथ ज़रूर आप आगे भी कैरी फॉरवर्ड करना चाहेंगे। लेकिन अब एक और सवाल वो ये उठता है कि रविंद्र जडेजा, जो बल्ले से तो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं लेकिन जब बारी आ रही है विकेट लेने की, तो वहाँ पर रविंद्र जडेजा को इंग्लैंड में विकेट नहीं मिल पा रहे हैं। तो क्या रविंद्र जडेजा की जगह अगले टेस्ट मैच में हमें रविचंद्रन अश्विन खेलते हुए नज़र आ सकते हैं? ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है। जब से अश्विन को आपने टीम से ड्रॉप किया है, चाहे पहला टेस्ट मैच हो चाहे दूसरा टेस्ट मैच हो, अश्विन जगह नहीं बना पाए हैं। पहले टेस्ट मैच में शार्दुल ठाकुर खेले थे और दूसरे टेस्ट मैच में ईशांत शर्मा आ गए थे, तो काफ़ी सारे सवाल लगातार ये उठ रहे हैं कि क्या अश्विन को मौका देना चाहिए। देखिए, अगर आप मेरी माने तो रविंद्र जडेजा की फिलहाल इस टीम में एज अ बैट्समैन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि विराट कोहली के बहुत ज़्यादा रन नहीं आ रहे, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे के बहुत ज़्यादा रन नहीं आ रहे, तो जब आपका मिडिल ऑर्डर पूरी तरीके से आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहा है, तो आपको ज़रूर, आप चाहते हैं कि जो आपकी बैटिंग डेप्थ है वो 7वें नंबर तक हो, 8वें नंबर तक हो, कि जो 7वें नंबर पर आए वो थोड़ी सी बैटिंग कर सके। तो बल्लेबाजी को मजबूत करने के लिए मुझे लगता है कि रविंद्र जडेजा को खिलाना इंडियन टीम की मजबूरी, मैं कह सकता हूँ इससे मैं मजबूरी बन चुका, और आपको एक बार फिर तीसरे टेस्ट मैच में मुझे लगता है रविंद्र जडेजा की जगह, और रविंद्र जडेजा ही खेलते नजर आएंगे। आर अश्विन को थोड़ा अभी इंतज़ार और करना होगा। तो अगर कुछ सवाल भी नहीं तो हम ले सकते हैं, जितने भी लोग अगर जुड़े हैं तो सवाल लेने का अभी तो थोड़ा सा हमारा जो सीन है वो अभी तक हम क्रिएट नहीं कर पाए, लेकिन आगे हम कोशिश ये करेंगे कि जब हम नेक्स्ट टाइम आपके साथ जुड़े तो हम आपके सवाल ज़रूर लें, आपके सवालों का जवाब दें। और अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा मुद्दा जिसके ऊपर आपको लगता है हमें बात करनी चाहिए, तो आप वो भी हमें बता सकते हैं। आप हमारा जो टाइम्स नाउ नव भारत का पेज है वहाँ पर आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं, और अगर आपके जो सजेशंस हैं हमें अच्छे लगेंगे तो हम ज़रूर उस मुद्दों पर बात करेंगे।